कब तक ऐसे चलते रहेगा? कब तक हम उन जोकरों की गुलामी करते रहेंगे? उनकी मिलास ने तो ये कहा था, अगर तुम हमारी बात मानोगे तो मैं एक रेल बंडल जैसी इज्जत दी जाएंगी, पर हमें तो नुबड़ों के समान मारा जा रहा है। कोई हमें ये नहीं समझता कि हम एक रेल बंडल है, हमें तो बॉट समझा जाता है जो सिर्फ मार खाने चले आते हैं। वैसे फ्री फायर में भी हमारी कौन सी इज्जत थी? हम जैसे बंडलों को फ्री में दिया जाता है। लोग हमें एक दिन पहनते हैं, पर दूसरे दिन हर कोई हमें भूल जाता है और हम उनकी आईडियो में महीने से महीने, साल के साल आईडियो में पड़े रहते हैं, पर कोई हमें नहीं पहनता और जो पहनता है लोग उसे नुबड़ा कहते हैं। मैंने देखा था मिडपैट और टेक्नो गेमर्स ने तुम्हारा बंडल खरीदा था, पर उसके बाद पता है उन्हें कमेंट्स क्या है? नो बड़ा बंडल, फेंक दे ऐसे उतार के, तुझे खेलना नहीं आता। लोग कह रहे थे अलोक ले लो। अरे अलोक अलोक अलोक, कब से अलोक ले रहे हैं? ऊपर से गरीना ने इस दिवाली सबको फ्री मैजिक क्यूब दे दिया। अब हर कोई बैंडेड बंडल और उस जोकर के ही बंडल को ले रहा है और मुझे 899 डायमंड में दिया जा रहा है। लोगों को मुझसे अगर अच्छा बंडल फ्री में मिलता है तो लोग मेरे लिए क्यों पैसा खर्च करेंगे? मेरे जैसा बंडल तक कुछ दिनों में गायब भी हो जाएगा। All is free. 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो ब्लड मून समुराई? तुम तो एक रेयर बंडल हो, हम जैसे भिखारी बंडल के साथ तुम अच्छे नहीं लगते। हाँ, काय का रेयर बंडल, सब बर्बाद हो गया, सब तबाह हो गया, हमको वापस इंक्यूबेटर में डाल दिया गया। डाला तो डाला, 75% ऑफ में डाला, उसके वजह से पता है क्या हुआ? पहले हम लोग 80 लेवल के आईडी में दिखा करते थे, अब पता है क्या औकात हो गया? 40 लेवल के आईडी वाला भी खरीद लेता है अगर उसका डायमंड होता है तो, और वो भी इतना सस्ता कि चीप फरहान राजू और मैं रेंचो दास 40 लेवल के आईडी में देखा गया कल। मैं अभी तो दिवाली विश इवेंट आया था, उसमें सब रेयर बंडल ऐड किए गए, पर हमें ऐड नहीं किया गया। लोगों ने उस पर भर भर के डायमंड्स लगाए, 6,000 से 7,000 डायमंड लगाए, पर लोगों उनके रेयर बंडल्स नहीं मिले। मिले तो सबसे नीचे वाले बंडल्स मिले उसमें। पता है मुझे इस इवेंट के बारे में, उसमें सस्ता जेलर बंडल ऐड किया गया, पर मुझे तो पूछा भी नहीं गया कि मनी हाइस तू भी आ जा, तू भी एक रेयर बंडल है। हमारी औकात तो इतनी बुरी है कि नुबड़े से नुबड़ा एक पेंट भी हमसे अच्छा होता है। पता है यूट्यूबर हमें क्या कहते हैं? सस्ता क्रिमिनल। अरे काहे का सस्ता क्रिमिनल, मेरा नाम मनी हाइस है, मनी हाइस। लोगों ने कुछ बंडलों के भाव बिन फालतू बढ़ा रखे हैं, जैसे वो आर्टिक ब्लू बंडल, हिप हॉप बंडल, ब्रेक डांसर बंडल। ऐसे बंडलों पे लोग डायमंड खर्चा करने से कभी पीछे नहीं हटते और हम जैसे लोगों पर 10 डायमंड में भी अगर हम आ गए तो सोचते हैं कि ये बंडल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक लड़का आके उन्हें कहता है, अरे ये बंडल तो फ्री में मिला था, इसे क्यों लेता है? पता नहीं वो दिन कब आएगा जब ग्रैंड मास्टर वाले हमारा बंडल पहन के ग्लोबल में बैठे रहेंगे और उसे एक लड़का कहेगा, देख क्या प्रो बंडल है, मुझे भी चाहिए। कब आएगा इसका इवेंट, मेरे को भी बंडल होना। वो गरीना धोखे बाज है। तुम्हें लगता है तुम्हारे साथी सिर्फ गलत हुआ? तो तुम्हें दिवाली बंडल की कहानी सुन के बड़ा अफसोस होगा, उसकी कहानी तुमसे भी ज़्यादा खौफनाक है। तुम्हें पता है जब दिवाली इवेंट आया था उसमें एक लूडो इवेंट था जिसमें एक बंडल फ्री दिया गया था, हर कोई उस बंडल से खुश था, इस बच्चे के जैसे। वाओ, दिवाली बंडल, ये बंडल से तो मैं अब बुइया करूंगा, बुइया यार। अभी अपने बंदे को ऐड करता हूँ, कहाँ है मेरा बंदा? अरे देखो ये कहाँ से मिल गया। ए भाई, तू अभी भी ये पुराना बंडल पहन के घूम रहा है? छी, नया बंडल लेना। कहाँ से मिला है देखो ये? भाई गरीना फ्री मैजिक क्यूब दे रहा है। अरे मेरे को पता है कि नहीं पहले तूने, अभी पहन जाता हूँ इसको, फेंको इस बंडल को निकाल के, सड़वा बंडल, छीमा का बंडल है ये, मैजिक किधर है, मैजिक किधर है? बढ़िया, क्या बात है, पूरे बंडल्स, वाओ टॉप लेवल बंडल, जोकर्स भी इसमें तो, अरे अरे वाह क्या बात है, मैं खोज लूं, मैं खोज लूं, मैं खोज लूं, मैं खोज लूं, हां ये बंडल है, बंडल का है, बंडल मेरा, हां स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन लूंगा मैं तो, व्हाट ये बंडल लमचा हैट, ये बंडल है, अब मैं बनूंगा प्रो बंदा, मेरा बंडल। ये हाल हुआ था उस दिवाली बंडल का, तब से वो देखा नहीं गया। पता है क्या हुआ उसके साथ?
ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सका, सब नुबड़ा बोल रहे थे, तो पता है उसने क्या किया, फैक्ट्री के ऊपर गया और चालान लगा दी 16 साल के लड़के ने। मैंने उसके एक हाथ पैर देखे, आड़े टेढ़े हो गए थे, कुछ ऊपर तो कुछ नीचे, क्या टांग थी क्या हाथ थी समझ नहीं आ रहा था, इतना बुरी टूटी थी उसकी हड्डियाँ। गरीना हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है, हमें इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। ऑल इज फ्री, बोलो ऑल इज फ्री। अरे इसलिए तो हम यहाँ आए हैं कि हमारा नारा है ऑल इज फ्री, मतलब हर बंडल फ्री फ्री फ्री। हाँ अब से हमारा ये काम है कि हर एक रेयर बंडल को खत्म कर देना। रेयर कौन होगा? अपुन होगा अपुन। फिर जितने भी रेयर बंडल से सब फ्री हो जाएंगे, तो महंगा कौन होगा बेटा? अपुन होगा अपुन। तुम लोग होंगे, मनी आइस होंगे, सब जितने भी बंडल को पहना नहीं जाता वो होंगे। तो बताओ दोगे मेरे साथ? बोलोगे ऑल इज फ्री? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बोलूंगा ऑल इज फ्री। बोल ऑल इज फ्री, ऑल इज फ्री, ऑल इज फ्री, ऑल इज फ्री। अगर खत्म ही करना है तो सबसे पहले उन क्रिमिनल्स को खत्म करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात कही, सबसे पहले उन क्रिमिनल्स को पकड़ेंगे। बड़े अनिश्चितिव अनिश्चितिव करते हैं ना, पता चलेगा रियल अनिश्चितिव कौन है। अरे उस अनिश्चितिव को लगता है कि सबसे रेयर वो है, पर अब हम बनेंगे सबसे रेयर बंडल। अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं भी कहूँगा ऑल इज फ्री, ऑल इज फ्री, ऑल इज फ्री, ऑल इज फ्री। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि IPL एंड हो चुका है, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा स्पोर्ट्स है और दूसरे क्रिकेट मैचेस है जिसमें आप काफी ज्यादा अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा एक बहुत ही अच्छा ट्रस्टेड बुक मेकर जिसका नाम है 1xbet। और अगर आप दोस्तों मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे मिलेंगे 100 यूरोज, और आप अपनी अर्निंग्स को सीधे अपने बैंक में विदड्रॉ करवा सकते हो, या फिर अदर पेमेंट मेथड भी है दोस्तों जिसके जरिए आप अपना अर्निंग्स को विदड्रॉ करवा सकते हो। यहाँ पे फुटबॉल मैचेस, टेनिस, बास्केटबॉल, हॉकी, ई स्पोर्ट्स और ऐसे बहुत सारे गेम जिसमें आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। और हाँ, हाई वोल्टेज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल रेडी रहना, तो देर किस बात की, लिंक मैंने पिन कमेंट में दे दी है, जल्दी से क्लिक करो, 1xbet पे जाओ और अपनी फेवरेट टीम्स के साथ खेल के पैसे कमाओ। धत तेरी की, यहाँ पे भी मुझे टाइटन स्कार नहीं मिली, फ्री फायर में तो आ गई है। अरे भैया को फोन करके बोलता हूँ। अरे यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा। सर काटूंगा, चुपचाप रहने का। तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो मेरे भाई थे। चुप बैठ, बिल्कुल चुप बैठ, थोड़ी देर में तेरे को सब मालूम पड़ जाएगा। तुम लोग ये बहुत गलत कर रहे हो, अनिश्चितम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मेरा रास्ता साफ है, चलो। ए खोल दरवाजा। तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? मुझे नहीं मालूम। बाहर आ साले। ए मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तेरे वजह से हमें सस्ता क्रिमिनल बोलते हैं, कितना सस्ता आ गया बोलते हैं, मार खा। तुझे लगता है कि तू ही रह रहे, पर तू गलत है, तुझसे बेहतर मैं हूँ, तुझसे बड़ा मैं हूँ, पर जब भी लोग तुझे क्यों लेते हैं, मार खा तू। हेलो, ये क्या हो रहा है, इसे मार क्यों रहे है? तुमने ही तो कहा था इन्हें मारना है। अरे अपन भूल गया। ओए बेटे, तू अपने आप को बहुत रियल समझता है ना, आज चल तू फ्री करते हैं, ऑल इज फ्री करते हैं। ऐसी सोच सिर्फ तेरी हो सकती है, मुझे लगा ही था, मुझे मारा, भैया को बताऊंगा तो पता चलेगा तेरी औकात। अबे तेरे भैया जी तो इससे बुरा मारूंगा, तो पता है पहले तू मुझे क्यों मार रहा? तू सबसे ज्यादा रह ना, इससे तू सबसे पहले मरेगा। बड़ा स्टार पे आया था ना, स्टार ही बना के छोड़ूंगा।
बेटा तेरे जैसे लोगों के वजह से लोग आत्महत्या करते हैं, पर अब सबसे पहले हत्या तेरी ही होगी, बांधो साले को। मैं नहीं बांध सकता इसे, अब्बा नहीं मानेंगे। अरे फरहान, तेरा अब्बा बार बार बीच में क्यों आ जाते हैं? राजू तुम्हारी से मैं नहीं मार सकता, ये मेरे बेटे की उम्र का है, मैं इसे कैसे मारूं? मैंने इसे कुर्सी पे बांध दिया है, अब बोलो इसके साथ क्या करना है। ओए देख, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं, पर तू एक रेयर बंडल है और मेरा काम है सबसे रेयर बंडल को खत्म करना। पर जब तक मेरी लिस्ट आई है उसमें सबसे रेयर तू है। अब तू पूछेगा क्यों है कि तू लेवल 70 लेवल 80 की आईडी में दिखता है, कभी लेवल 30 की आईडी में ही दिखेगा। तू बहुत ज़्यादा रेयर होते जा रहा है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स अब सिर्फ तुझे यूज़ कर रहे हैं, हमें कोई यूज़ नहीं कर रहा है। तो अब मेरा काम है ऑल लिस्ट फ्री करना, हर बंडल को फ्री करना, पर मैं शुरुआत तेरे से करता हूँ। ऑल इज फ्री। मेरा अब होगा हम सबका मेरा मेरा। उसके के बच्चे ने मेरी पसलियां तोड़ दी। मैंने कुछ ज्यादा ही पावर यूज कर ली, इतना ओवर पावर मुझे नहीं होना चाहिए था। इतनी पावर यूज करके मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा। तो मशरूम की जरूरत है, तुम्हारी एचपी बहुत डाउन हो चुकी है, यहाँ पे मेडिकेट नहीं मिलेगी और मशरूम जरूर मिल जाएगा। मुझे पता चला है कि जंगल के नदी के किनारे की तरफ मशरूम उगते हैं, तो हम वहाँ से मशरूम ले आएंगे। पर फिर भी अलोक तुम्हें इतना ज्यादा ओवर पावर नहीं होना चाहिए था, तुम डाउन हो गए तो यहाँ पे हम रिवाइव नहीं दे सकते। तो अगली बार इतनी पावर यूज करने से पहले 100 बार सोच लेना। एडम, उसने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, अगर वो नहीं होता तो हम जल जाते, वो भी फ्राई पैन के से। अलोक यू आर फैंटास्टिक मैन, बहुत अच्छे हो तुम। थैंक यू, लेकिन बेटर होगा कि तुम मेरे लिए थोड़े मशरूम लेके आओ मुझे। मेरे लिए भी 10 मशरूम लाना, जिससे मैं हील हो जाऊँ, मेरी एचपी 2 हो चुकी है। वैनम और आलोक थोड़ा आराम करो, हम जाते हैं और मशरूम लेके आते हैं। मैडम खड़े क्यों हो, हमारे पास गाड़ी थोड़ा है, पैदल ही जाना होगा। चलो सोल्जर्स। मैं आता हूँ, अपना ध्यान रखना, थोड़ा जल्दी आना। कमजोरों को मारने से कुछ नहीं होगा, ये कहता था, आज मैं ही कमजोर हो गया। वो तो सभी होते है। मैडम दौड़ गया, जल्दी चलना है हमें। चलो जल्दी। hey, मुझे पता है वो झील नहीं है, हम वहां से पैदल पैदल ही पहुंच जाएंगे। चलो। ओहो वाह, ऐसा तो मैं किस 2 में चला था। पता है एडम ये बोर्ड पे क्या लिखा है, 50 किलोमीटर की स्पीड पे हमें भागना है। एडम सामने पुलिस है, आंखें मत मिला, सीधा चलना। अरे ये तो ऋतिक रोशन दिख रहा मम्मू। पांडे जी पागल हो गए क्या, ऋतिक रोशन थोड़ी ना है वो। एडम मुझे लगता है हमने गलती कर दी उन जीटे वालों छोड़ के, कितने बोलो उनके गाड़ा मस्त थे। तुम बकवास कर रहे हो, वो लोग गद्दार है, उन्होंने हमको धोखा दिया और टेलीपोर्टर पोर्ट भी चुरा लिया। आई एम सॉरी एडम, मैं तो पैदल चल रहा था इसलिए बोल रहा हूँ। एडम वो देखो फैंटास्टिक कार आ रही है। हमें कार की जरूरत है, उससे लिफ्ट मांगते हैं। ऐसे कैसे, हम किसी की भी कार ऐसी नहीं रोक सकते। पर फिर भी इंडियन कार ऐसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। वाह वैसे इसकी कार तो बहुत बेटर है। हाय हाँ ऋतिक रोशन, क्या आप मुझे कहाँ तक लिफ्ट दे सकते हो? पर मैं तुमको लिफ्ट क्यों दूँ, तुम है कौन पहले वो बताओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं भिखारी साले। अरे गाड़ी दी देना है मत दे, भिखारी मत बोल, फोड़ के रख दूंगा, हम तो सिर्फ लिफ्ट ही मान रहे हैं। पर तुम जैसे लोगों को मैं लिफ्ट नहीं देता, अनपढ़ जाहिल जवाब जादू कपा दू। जादू को पा दू मत बोलना, निकल जा गाड़ी से, बैठ रहे तुम जल्दी बैठ। अरे मैं भी आ रहा हूँ। सब बोलते ना जादू को पा दू मत बोलना। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी, GTFI के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो यार आप लोगों को भी पता चल चुका होगा कि जो अपने जय भैया है उन्होंने चुरा लिए हैं टाटा की हैरियर को। वैसे अपने जय भैया की फितरत तो नहीं है कि ऐसे गाड़ियां वगैरह चुराना, लेकिन भाई जादू के बारे में अगर कोई भी कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है तो भाई जय भैया भड़क जाते हैं। और अब उन्होंने अभी लेटेस्ट टाटा की हैरियर इन्होंने चुरा लिया है, भाई टाटा हैरियर का डार्क एडिशन चलाने को अपने को मिल रहा है। लेकिन अभी यार बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि आपको लास्ट एपिसोड में याद ही चूंगा कि जो डीजे के है अपना कश्मीर है, उसने बहुत बुरे तरीके से एडम को, हयातो को, जय को बहुत बुरी तरीके से मारा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। अभी
अलोक ने तो अपने को बचा लिया था दोस्तों, आपको याद ही होगा, उसने स्ट्रीट बॉय बंडल बनना था और उसने अपने को बचा लिया था। लेकिन यार उसने इतनी ज़्यादा पावर यूज़ कर लिया ना कि अब उसकी एचपी है ना काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। तो एडम और मैं मिलके जा रहे हैं अभी दोस्तों सिटी में एक लेक की तरफ। वहाँ पे मालूम पड़ा है कि मशरूम है आपको पता होगा दोस्तों, जो फ्री फायर प्लेयर से वो अच्छे से जानते होंगे, मशरूम से अपने को मिलती है ईपी। तो अगर अपने को ईपी अगर मिल जाती है तो ये अलोक और हयातो दोनों की सेहत फिर से ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आपको याद होगा कश्मीर ने हयातो को भी 3 से 4 बार चक्कू मारा था बहुत बुरी तरीके से। हयातो भी बहुत बुरी तरीके से दोस्तों घायल हो चुका है। तो इन दोनों को ठीक करने के लिए अपने को जरूरी है कि अपन मशरूम लेके आए, तभी दो ये दोनों जाके फिर से ठीक हो सकते हैं और पहले के जैसे इनके अंदर पावर आएंगी। अदरवाइज इन दोनों के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है भाई, अपन तो बुरा नहीं सोचेंगे लेकिन कुछ भी हो सकता है। अभी जल्द से जल्द दोस्तों अपने को पहुंचना है उस लेक की तरफ जाके मशरूम को ढूंढना पड़ेगा, वो भी कुछ आसान टास्क वगैरह नहीं रहेगा दोस्तों। और मालूम चला है कि यार फ्री फायर के जो 50 प्लेयर्स है उसमें से कई प्लेयर्स मारे जा रहे हैं, लेकिन जो कुछ प्लेयर्स दोस्तों आए थे वो अभी भी खुले घूम रहे हैं और मर्डर्स किए जा रहे हैं। तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि भाई उन लोगों से अपन कैसे निपटते हैं। और वीडियो दोस्तों आपको अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो पर लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना दोस्तों आपको अगर मजा आ रहा है तो। एडम, लेक सामने ही है, अब उतर के आगे देख, डुबकी मारेंगे। लेक सामने देखो, वो क्या आ रहा है? खोल। इस स्लो गाड़ी का सत्यानाश, कुछ तो करा। अरे कौन चिल्ला रहा है रे? अरे मुझे नहीं पता था भाई, तुम मेरे कान में चिल्ला। अरे चल बोला, कौन चिल्ला रहा? अबे तू चुप ना। क्या मैटर है रे, कौन चिल्ला रहा? हाँ एडम, इसके लाइट डायमंड में आएंगे या गोल्ड में आएंगे? यहाँ पे डायमंड्स नहीं, डॉलर लगते हैं। पर वो मिलेगा, फैंटास्टिक की ऐसी की तैसी, तब तेरी की। ये लोग चल जल्दी चल, तू साले मेरे को बहुत पकाता है। कौन है ले? ओ चल रे, कौन है रे? अबे एक टिक के बच्चे तू, आज तो तू मरा रे। एम बस चला। अबे ओए, ये गाड़ी इधर नहीं चलेगी, सस्ती गन। अब पहल दूंगा आके उधर ही। पहले ही मेरा बहुत दिमाग खराब है, मैं अपने दोस्तों की मदद करने निकला हूँ, आज अगर कोई मैं बिक माया तो चीर के फेंक दूंगा। यार मुझे नुबड़ा समझने की गलती मत करना कि मैं भी कुछ कम नहीं। ए, तेरे गोल्ड रॉयल से बटल से मैं नहीं डरूंगा, मार रहे इसको। अबे चिकू मारने है तो मार, पर मेरे कान मत फाड़। तू तो गया बेटा, लगता है तुझे लड़ने का ज्यादा शौक है। मैं यहाँ अपने दोस्तों की मदद करने निकला हूँ, पर ठीक है आज यहाँ हया तो नहीं है, पर उसी स्टाइल में आ जा, लड़ ले मुझसे। अरे इधर तेरी एम पासो नहीं चलेगी, ये ले, ये ले, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, बेशरम, अभी भी ऐसी बातें कर रहा है, ज्यादा ही मार रहा है तू तो, वो, फैंटास्टिक, वो, ये लो, और लो, एक और लो, और खाओ, ये ले, नहीं, अरे बाप रे, अबे तू मेरे को मारने वाले नहीं बड़े, नहीं, ये आजा, ले मार रहा तू, अबे ये दिखते, अबे क्या मार रहा, घुटने में मारा तूने, घुटने में रुक जा बता तेरे को, आजा आजा, नहीं ये ले, अरे ये ले, अरे तेरे पास पावर कहाँ चाहिए, और मार खाएगा, अबे कैसे मार रहा तेरे को तू, ये ले मेरी गन किधर है, गन ले लाया मैंने आज, तू मरा मेरा आशा, अंगोटी है, ये ले, अरे तू ये ले पंचा, आओ भाग रहा है तू, साले भाग क्या रहा है, अरे नहीं ये ले, आओ ये ले, जब से लगा है पता है डंडा मैं कहां से निकाला है, मुझे तो नहीं मालूम, वो अबे जब से दे दी तूने, देखो पता नहीं मेरी कलो, अबे डंडे में से बास क्यों आ रही है, ओए सच सच बता, डंडा कहां से निकाला, ओ सच बता, बहुत ही बास आ रही है, बताओ ये डंडे से मैं अपना पिछवाड़ा धोता हूं, चीमो अब पता चला, चीमो इतनी गंदी बास, मर ही जाऊंगा मैं तो, बता बोतल का है बता, अरे छोड़ रहा उसको, ये उठा इसको मत चलाओ, क्या अच्छा ये बहुत भारी है, इसके वजह से मेरा दम घुस रहा था। अब बता एडम, तू उनका साथ क्यों दे रहा है, बता जल्दी,
क्यों उनका साथ दे रहा है? बना डंडा डायरेक्ट मुंह में। मुझे बचाओ, तुम ऐसे काम नहीं कर सकते। तू बहुत हो गया आजम, मैं तेरा खेल अभी खत्म कर देता हूँ, मार लूंगा, मार लो चिकू, बता बता ये मर लगी छोड़ दो उसको। ये कौन बोला रे? कौन बोल रहा है? सामने आ मेरे, बता सामने आके बात कर। कहा है वो? ए, उस बच्चे को मारना बंद कर, अगर दम है तो मुझसे लड़ा के वन वर्सेस वन कर ले, आजा। ए, लाल जोकर तू, तेरा हिसाब अभी भी बाकी है, आजा। अबे ओ नुबड़े, उसे वन वी वन कहते हैं, ना ही वन वर्सेस वन, समझ में आया क्या? तो आजा, वन वी वन कर ही लेते हैं। ठीक है तो कर लो वन वी वन। अरे पर मेरे पास तो कस्टम कार्ड है ही नहीं, अब मैं क्या करूँ? सॉरी आज नहीं होएगा, फ्राइडे दिन आना, फिर हम कस्टम करेंगे। ए, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, ये हमारी दुनिया है, हम यहाँ पे सड़क पे ही लड़ना शुरू कर देते हैं। ए, मुझे सब याद है कि पहली मुलाकात में तूने मुझे कितना मारा था, अब मैं भी तुझे मारूंगा। अच्छा तो तुझे वो सब याद है, पिछले हुई बातें याद रखनी चाहिए जैसे मैं रखता हूँ। लगता है पिछले बार की मार कुछ कम पड़ गई थी। तो ठीक है आज लड़ाई कर ही लेते हैं, देखते हैं कौन ताकतवर है और कौन नुबड़ा। पर ये निको बीच में नहीं आएगा और मैं आना भी नहीं चाहता। मैं आया, ये आ जा। ये ले बाबा चक्कू लेके आ गया, मां खत्म ही कर दूंगा तेको। ये ले मैं तैयार से अमर है हम लोग, बता रहे देखो अमर लोग है हम। अरे देखो मैं मार डालू, अरे चक्कू डाल दे, डंडा निकालता है रुकना मत। अरे चक्कू, अरे छोड़ रे छोड़, चक्कू मुंह में घुस गया मेरे, चक्कू घुस जाएगा रे मुंह में। ए छोड़ इसको, चक्कू नहीं। अरे पकड़ के धोता, ये ले अबे बाप रे, अरे बाप रे चक्कू लगा मुंह पे दे दिया रे चक्कू तूने। अरे बाप रे चक्कू ही दे रहा रे तू तो। अरे अरे बापा, अरे बापा, अरे अरे पीछे से ये ले, तेरी तो अबे ये ले, नड्डा मत पकड़ ले, काट मत, बस ये ले। अरे ने 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 और मेरा दांत और ये तू गया, हो गया अबे मेरा मुंह, ये ले मुंह पे मुक्का, अबे तेरा मुंह धोता बस बस ये ले, मत मर आजा, बहुत ताकत अब दिख रहा तू, धक्का नहीं देखे हरा दिया। ये बात किसी को पता ना चले, समझ में आया देखो? मेरी इज्जत की उड़ गई है पूरी। एडम कैसा है तू, सब बढ़िया? हमारी जरूरत पड़ी ना तुमको? मैंने तुम्हें माफ किया, तुम गद्दार नहीं हो, गद्दार वो है जो हमें मार रहे थे। ए, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम सबको अभी साथ में रहना पड़ेगा। अरे जय किधर है, वो दिख नहीं रहा है मुझे, कहाँ पर है वो? और आलोक और हया तो किधर है, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो लोग घर पे है, तुम्हें सब बताता हूँ। पहले जय को देखते है। अरे देखो बोला जय, जय तुम ठीक तो हो ना? उन लोगों ने तुम्हें ज्यादा मारा तो नहीं? ज्यादा कुछ नहीं, सर पे थोड़ा सा डंडा मारा है, थोड़ा सुन लग रहा है पर ठीक है। टॉमी भैया मुझे माफ कर दो, हम लोग गलत थे, तुम सही थे, मुझे माफ कर देना। ए, दोस्ती में माफी चलती है, कोई बात नहीं, हमारे हाथ से भी कुछ गलतियां हुए होंगे इसलिए तुमने ऐसा करे। जय हमें मशरूम लेने हैं। हाँ तुमने सही कहा, उनकी हालत तो बहुत बिगड़ रही होंगी, हमें चल दिया मशरूम लेने। टॉमी भैया नीचे जाना है। जय क्या हुआ? अरे नहीं बेटे, जय नहीं, वो पानी में गिर गया है, चलो नीचे चलते हैं उसे बचाने, उधर वो पानी में होगा। चलो एडम, उसकी 1B20 थी, वो एलिमिनेट हो गया। नहीं
ये क्या हो गया? विवाह के बाद अब यही दिन देखा था क्या कि जय भी हमें छोड़ के चले गया? जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे ऐसी मौत दूंगा कि वो सोचेगा कि उसकी माँ ने उसे पैदा ही क्यों किया है। लोगों को तो मैं अभी ही मार दूं, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारे दर्द का मजा लेने देता हूँ। मजे ले लो अपने दर्द के, तुम्हारी बारी भी जल्दी आएंगी।